Hello everyone, welcome to our new YouTube video and this is Manpreet and you are watching Ask Viewer channel. I hope you are all fine and your preparation is going great. In today's video, I am discussing with you another latest cue card topic and topic is about describe a family member you would like to work with. आपको ऐसा फैमिली मेम्बर डिस्क्राइब करना है जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हो और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इस क्यू कार्ड को फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी डिटेल के साथ और प्लस आइडिया जो आज हमने पिक किया है वो न्यू है, यूनिक है और ईजी है आपको याद करना। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ आज फॉलोअप भी डिस्कस करने वाली हूँ इसी क्यू कार्ड से रिलेटेड, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इसी तरह सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अपने जो फीडबैक्स हैं वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो फीडबैक आपकी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चन हैं, चाहे आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दिया कीजिए क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और नई नई कंटेंट लाने का और नई नई वीडियोस बनाने का। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टिंग। वंस अगेन टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ, डिस्क्राइब अ फैमिली मेम्बर यू वुड लाइक टू वर्क विद। कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो फ्यूचर में एंड यू शुड से हु दिस पर्सन इज, कौन है वो पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही एंड शी इज, किस तरह का वो पर्सन है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी वीकनेस है एंड वेदर यू हैव वर्क टुगेदर बिफोर, कि आपने पहले भी उसके साथ काम किया है एंड एक्सप्लेन वाई यू वुड लाइक टू वर्क विद दिस पर्सन और एक्सप्लेन करें कि आप उसके साथ ही क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों ही वही पार्टिकुलर एक पर्सन है जिसके साथ आप इन फ्यूचर जो है काम करना चाहते हैं। सो ये सारी बातें आपको डिस्क्राइब करनी है। इसके अलावा क्यू कार्ड प्रिपेयर करने का एक तरीका मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है WH फैमिली से, किस तरह आप एक मिनट में जो क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, आप चाहो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सैंपल आंसर इसका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, बहुत यूनिक आइडिया है और न्यू आइडिया है। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ टैलेंटेड फैमिली विद गॉड्स ग्रेस एंड इट्स प्रीटी हार्ड टू सेलेक्ट वन स्मार्ट एंड इंटेलिजेंस पर्सन विद हुम आई वुड लाइक टू वर्क। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, बहुत लक्की समझती हूँ कि मेरे पास एक टैलेंटेड फैमिली है भगवान की दया से और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करना जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसके साथ मैं काम करना चाहूँगी फ्यूचर में। However, today I would like to talk about my brother who I admire personally and professionally. पर फिर भी मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ अपने ब्रदर की, जिससे मैं बहुत एडमायर हूँ पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। My brother is about 27 years old. मेरे ब्रदर जो है लगभग 27 साल का है। He had completed his masters in the marketing field. उसने अपनी masters जो है complete कर ली है marketing field में and now he is working in the same area. और वो काम कर रहा है इसी field में, यानी कि मार्केटिंग फील्ड में। वेन एवर वी हैड अ कन्वर्सेशन वी यूज टू स्पीक अ लॉट अबाउट अवर करियर विच आर वेरी डिफरेंट बट कुड पोटेंशियली लीड टू सम पॉसिबल कोलेबरेशन। पोटेंशियली होता है संभावना होना फ्यूचर में किसी काम के होने की एंड कोलेबरेशन होता है कि आप कोलेबरेट हो रहे हो, आप मिलकर काम करना चाहते हो, ठीक है। वेन एवर जब भी हमारी कोई कन्वर्सेशन होती है तो हम अपने करियर्स के बारे में ही बात करते हैं ज़्यादातर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, पर फिर भी हम ये पॉसिबिलिटी रखते हैं कि इन फ्यूचर जो हम कोलैबोरेट कर लेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। जनरली स्पीकिंग वी हैव नॉट वर्क टूगेदर बिफोर, हालांकि अगर आपसे बात की जाए तो हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया, बट ऑफन वी आर गेटिंग टूगेदर फॉर डिनर एंड विथ फ्रेंड्स we end up chatting about different things that we are working on. पर जब भी हम बाहर जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ या डिनर के लिए, तब हमारी जो चैटिंग होती है, जो बातचीत होती है, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है जिन पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने करियर से रिलेटेड ही हमारे बीच में डिस्कशन होता है। He works in digital social media marketing and I work as an English trainer.
कि वो जो है डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहा है और मैं इंग्लिश ट्रेनर के हिसाब से काम कर रही हूँ एंड हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑनलाइन और मेरा इंटरेस्ट भी ऑनलाइन ज़्यादा है. सो आई एम ऑलवेज आस्किंग हिम फॉर एडवाइस अबाउट हाउ वी कैन रीच न्यू पीपल टू हेल्प देम विद देयर इंग्लिश ऑनलाइन और मैं उससे हमेशा पूछती रहती हूँ, उससे एडवाइस लेती रहती हूँ कि किस तरह से हम नए लोगों के साथ, नए लर्नर्स के साथ जुड़ सकते हैं ताकि उनकी हेल्प की जा सके इंग्लिश सीखने में ऑनलाइन. आई मस्ट से इफ वी वर टू वर्क टुगेदर आई इमेजिन इट माइट बी इन समथिंग वेयर ही कैन ब्रिंग हिज मार्केटिंग स्किल एंड आई कैन गेट माई स्किल्स इन प्रोड्यूसिंग कंटेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. मैं ज़रूर से ये कहना चाहूँगी कि अगर हम इन फ्यूचर काम इकट्ठा करते हैं तो ये तो पक्का है कि वो अपनी मार्केटिंग स्किल उसमें दिखा सकेगा और जो मैं हूँ, मैं अपने स्किल, जो मेरे पास स्किल है वो क्या है, कंटेंट प्रोड्यूस करने की इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँगी. द मेन रीज़न आई हैड रियली लव टू वर्क विथ हिम और जो मेन रीज़न है उसके साथ काम करने का वो क्या है, ही हैज़ सम रियली फैंटेस्टिक क्वालिटीज़ और उसके अंदर बहुत अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ डेलीजेंट, यानी कि हार्ड वर्क है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है. ही डज नॉट गिव अप ईजली एंड ऑलवेज परसिस्ट इन अचीविंग वट एवर ही एम्स और वो कभी भी गिव अप नहीं करता है और हमेशा कंटिन्यू परसिस्ट होता है कि वो कंटिन्यू उसी पे ही काम करना कि जब तक उसका वो एम, वो गोल अचीव ना हो जाए, वो लगातार ही उस पे काम करता रहता है. ही इज आल्सो वेरी रेसिलिएंट एंड वी ऑल फेस सेटबैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो रेसिलिएंट क्या होता है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है. हमने बहुत सारे फेस किए हैं सेटबैक्स, सेटबैक्स यानी कि डिफ़िकल्टीज, अप एंड डाउन्स हमने देखे हैं टाइम टू टाइम, बट ही नेवर गिव्स अप एंड ही ऑलवेज ट्राइड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट और उसने हमेशा वर्क हार्ड किया है अपने बेस्ट रिजल्ट को लेने के लिए. मोर ओवर, इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो वेरी ट्रस्टवर्दी और वो ट्रस्टेबल पर्सन है एंड ऑफकोर्स ही इज़ माई ब्रदर, क्योंकि वो मेरा ब्रदर है. सो आई नो दैट आई कुड शेयर माई इंफॉर्मेशन विद हिम एंड दोज थिंग्स टू विद हिम. तो मैं अपनी जो इंफॉर्मेशंस है वो बहुत ट्रस्टफुल है, इसलिए क्योंकि वो मेरा ब्रदर भी है और मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें उसके साथ डिस्कस करने के लिए. सो दैट्स वाई आई रियली लव टू वर्क विद माई ब्रदर सूनर और लेटर और इसीलिए यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं फ्यूचर में काम करना चाहूँगी. सूनर और लेटर होता है आज नहीं तो कल या अभी नहीं तो कभी. ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके फॉलो अप्स की. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है फैमिली बिजनेस के. आंसर है इस क्वेश्चन का, एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइडेस, जैसा कि हमें पता ही है कि हर कॉइन के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. सिमिलरली द फैमिली बिजनेस ऑल्सो हैज़ सम प्रोन्स एंड कॉन्स, उसी तरह फैमिली बिजनेस के भी कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांटेज, अगर एडवांटेज की बात की जाए तो फर्स्टली इट कीप्स द फैमिली टुगेदर, ये फैमिली को इकट्ठा रखने में हेल्प करती है. फैमिली मेम्बर्स अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, फैमिली मेम्बर जो है एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इसके रिजल्ट से क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज एश्योर्ड बिकॉज दे आर मोर कमिटेड देन आउटसाइड, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हम पक्का कर लेंगे, फाइनल कर लेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं रेदर देन आउटसाइडर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट फैमिली मेम्बर हैव सॉलिड इनफॉर्मल इंटर्न ट्रेनिंग, जो मेन जो फ़ायदा है वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास स्ट्रॉन्ग जो है इनफॉर्मल इंटर ट्रेनिंग होती है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग ऑलरेडी ले लेते हैं जब वो घर में होते हैं. तो इसी वजह से, दिस इज बिकॉज सच बिजनेस आर यूजुअली पास्ड फ्रॉम ग्रेट पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन, इसी वजह से जो बिजनेस है वो पास ऑन किया जाता है ग्रैंड पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन. ऑन द डाउन साइड, अगर डाउन साइड की बात की जाए, अगर इसके वीक पॉइंट्स की बात की जाए, डिसएडवांटेज की बात की जाए, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एट होम कुड ऑल्सो बी ब्रॉट टू द ऑफिस, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है घर की, जो घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो ऑफिस तक जा सकती है. एंड द फैमिली एक्सपेंसेस कुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बिजनेस, और जो पर्सनल खर्चे हैं फैमिली के वो लिए जा सकते हैं बिजनेस प्रॉफिट से. ये पहला डिसएडवांटेज है. मोर ओवर फैमिली बिजनेस ऑल्सो टेंड टू अपॉइंट फैमिली मेम्बर्स इवन इफ दे लैक
ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। और दूसरा नुकसान क्या है कि बिजनेस फैमिली बिजनेस है तो वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही अपॉइंट करते हैं, चाहे उनके पास ट्रेनिंग है चाहे नहीं है, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है। आउटसाइडर्स माइट हैव आइडिया, चाहे आउटसाइडर्स के पास आइडिया हो चाहे उनके पास स्किल्स हो, हैव आइडियाज और स्किल्स दैट कैन बी यूजफुल टू द फैमिली बिजनेस, चाहे वो फैमिली बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो, बट दे आर आइडिया वॉन्ट इनकॉपरेटेड बिकॉज दे आर आउटसाइडर, क्योंकि वो बाहर ले लोग हैं इसलिए उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द फैमिली मेम्बर्स विच मे रिजल्ट इन द टोटल कोलैप्स ऑफ द बिजनेस एट टाइम। और कई बार इतना झगड़ा हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो उसका रिजल्ट निकलता है कि बिजनेस बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो जाता है, शट डाउन के पास पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट टू बी कम्पिटिटिव एंड वाई, क्या कम्पिटिटिव बनना जरूरी है एंड क्यों? आंसर है इस क्वेश्चन का येस, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू बी कम्पिटिटिव नाउ अ डेज। ये जरूरी है कि ये इम्पोर्टेंट है कि कम्पिटिटिव बना जाए, कम्पिटिशन हम फेस करें आजकल के टाइम पे, बिकॉज वी आर बिलोंग टू बी अ कम्पिटिटिव इरा, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं कम्पिटिटिव इरा से। इनफैक्ट इन द प्रेजेंट टाइम वी आर नॉट ओनली कम्पीटिंग विद द पर्सन नेक्स्ट डोर और इन द सेम टाउन और कंट्री, बट ऑल्सो आर कम्पीटिंग विद द पीपल ऑफ ग्लोबल विलेज। ना सिर्फ हम अपने नेक्स्ट डोर नेबर से या फिर सेम टाउन से या कंट्री से हम जो है लड़ रहे हैं, बल्कि हम उनसे भी हमारा कंपटीशन है जो बाहर सेटल हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आर मैन एंड वुमेन इक्वली गुड एट रनिंग अ बिजनेस, क्या मेल एंड फीमेल जो है दोनों बराबर जो है रन करते हैं बिजनेस, या वो दोनों ही सक्सेसफुल हैं या नहीं? आंसर है इसका, देयर आर नो जेंडर डिफरेंस नाउडेज, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं आज के टाइम पे। इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल एप्टीट्यूड, एज मोर एंड मोर गर्ल्स आर गोइंग इनटू मैनेजमेंट कोर्स एंड दे आर सक्सेसफुली एंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। सो ये जो काम है ये पर्सनल एप्टीट्यूड का काम है। सो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो है मैनेजमेंट कोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एनरोल कर रही हैं, और वो उसके बाद जो है वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में एंटर कर रही हैं, यानी बिजनेस कर रही है। उसके बाद वी हैव मैनी एग्जाम्पल सच एस गौरन मुंडे हु इज अ सीईओ ऑफ न्यूज कंपनी, जो कि सीईओ है न्यूज कंपनी की। ये आपके पास एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल फिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, शुड कंपनीज प्रमोट कंपटीशन एंड व्हाई, क्या कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए कंपटीशन और क्यों? आंसर है इसका, येस श्योरली कंपनीज शुड प्रमोट कंपटीशन बिकॉज दे डोंट कंपीट, हाउ कैन दे रन अ बिजनेस, अगर वो कम्पीट ही नहीं करेंगी तो वो अपना बिजनेस कैसे रन करेंगी? दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड फॉर दैट दे हैव टू कम्पीट विद देयर रिवल्स, अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उन्हें अपने कंपटीटर्स के साथ, अपने दुश्मनों के साथ उन्हें कंपीट करना पड़ेगा। दुश्मन कौन है यहाँ पर? जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे वो। अदरवाइज दे विल फेल एंड अदर विल सक्सेड, अदरवाइज उनका बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा और दूसरे पर्सन जो है वो सक्सीड कर जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाउएवर दे शुड प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, बट उन्हें जो है हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, शुड नॉट यूज़ अनएथेटिक मीन्स टू कम्पीट, और कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए कंपटीशन के लिए। सो ये आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है, डिस्क्राइब अ फैमिली मेंबर विद होम यू लाइक टू वर्क, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अपने कीमती फीडबैक जो है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर चाहिए, तो डेफिनेटली उस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर हम प्रोवाइड करेंगे एक यूनिक आइडियाज़ के साथ और बहुत अच्छी वोकैब के साथ, ताकि आपको आइडियाज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। Thank you for watching this video and stay tuned and press the bell icon for more updates.